नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप सभी का स्वागत है हमारे उड़ी आल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को एक इंपॉर्टेंट जुगाड़ू सेटिंग बताने वाला हूं। अपने स्मार्टफोन से यानी एंड्रॉयड फ़ोन से आप टीवी, एसी, सेटअप बॉक्स, प्रोजेक्टर, जिनके रिमोट होते हैं, जो सभी रिमोट से कंट्रोल होते हैं, वो सभी आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। या दोस्तों, अपने स्मार्टफोन से, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से आप टीवी, एसी, सेटअप बॉक्स, प्रोजेक्टर, जो भी रिमोट हैं जिनके, वो सभी चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाओगे। दोस्तों, आप सभी को पता है रिमोट से बैटरी ख़त्म हो जाता है, फिर बैटरी चेंज करना पड़ता है और कई बार तो रिमोट ख़राब भी हो जाता है। ऐसे में आप रिमोट का बदले आप फ़ोन का इस्तेमाल करके सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। अगर आप चाहते हो अपने फ़ोन से एसी, टीवी और सेटअप बॉक्स, प्रोजेक्टर, जो भी है घर पे, उसे कंट्रोल करना या फिर ऑफिस में उसे कंट्रोल करना चाहते हो फ़ोन से, स्मार्ट वे से, तो ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और आप सही तरीके से इस सेटिंग को फ़ोन में यूज़ कर सको। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पर देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। फिर आपको सीधा वीडियो के नीचे आना कमेंट सेक्शन में, और आपको यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट करना है और यहाँ पर लिखिए एंड्रॉयड ट्रिक और इसे कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, ये छोटा सा काम करना मत भूलना, जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में स्मार्ट रिमोट कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप स्मार्टली एसी, टीवी, प्रोजेक्टर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, फ्री एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको ऐड देखने को मिलेगा, तो ऐड को कट कर दीजिए और आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रिमोट क्रिएट, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद परमिशन अलाउ कर दीजिए, ताकि प्रॉपर तरीके से आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन वर्क करे। फिर दोस्तों, यहाँ पर देखिए टीवी, सेटअप बॉक्स, एसी, कैमरा, स्मार्ट बॉक्स, एवी रिसीवर और यहाँ पर डीवीडी प्लेयर, ये सारे चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। मान के चले अगर आपको टीवी यहाँ पर कंट्रोल करना है, सिंपल यहाँ पर टीवी के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए जितने भी टीवी कंपनीज हैं आपको यहाँ पर सभी देखने को मिल जाएगा। मान के चले यहाँ पर अगर आपको LG का टीवी आपके घर में है, ठीक है, तो यहाँ पर LG सर्च कीजिए और यहाँ पर देखिए LG टीवी आ जाएगा। यहाँ पर मान के चले अगर आपके पास Samsung टीवी है, तो यहाँ पर आपको Samsung सर्च करना और यहाँ पर देखिए Samsung आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए फिर आपको देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट, ठीक है, बस यहाँ पर लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जो एरो मार्क है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसे येस कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए पेयर, ठीक है, पेयर के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये स्मार्ट रिमोट कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। देन आपको यहाँ पर मेनू बटन मिल जाएगा, यहाँ पर म्यूट कर सकते हो, यहाँ पर एवी टीवी ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करना है, यहाँ पर आप चैनल को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सारे बटन्स मिल जाएंगे जो भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है, यहाँ पर ये बटन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, मतलब चैनल चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ये सारे सिस्टम आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप फ़ोन से ये एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर एसी लगानी है, ठीक है, एसी को कंट्रोल करना है, सिंपल यहाँ पर एसी के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्री एप्लीकेशन ऐड देखने को मिलेगा, ऐड को कट कर लीजिए। फिर आपके घर में जो भी एसी है या फिर ऑफिस में, आपको यहाँ पर क्लिक मतलब सर्च करना है, तो ये वैसे यहाँ पर आपको सभी कंपनी के एसी कंपनी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर डाइकिन कंपनी को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पर लेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर ये की बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे येस कीजिए। येस करने के बाद यहाँ पर पैड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी कोई एसी नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑफ दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर ये टेम्परेचर जो है, इसे आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई एसी नहीं है, तो यहाँ पर ये एसी कनेक्ट नहीं हो रहा है। बट आप इस तरीके से यहाँ पर एसी को कनेक्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ पर सॉरी बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एसी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर टेम्परेचर करना है। तो एक फ़ोन को बस आप एक स्मार्ट रिमोट बना सकते हो, बस आपको यहाँ पर इसे ऑन करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके एसी, टीवी, स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्टर, ये सभी के साथ ये आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जिनका आप यूज़ कर सकते हो। कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाएगा, एसी और भी रिसीवर ऑप्शन मिल जाएगा, डीवीडी प्लेयर ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये एप्लीकेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज़रूर वीडियो के नीचे लाइक करना, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर व्हाट्सएप में शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस बारे में पता लगे और वो आसानी से अपने फ़ोन को एक स्मार्ट रिमोट बना सकें।
लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।